इंग्लिश मीडियम कितने? एक। तुमने भी याद किया था ऊपर? अच्छा, हिंदी मीडियम में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सिलेबस सबके पास है? नहीं, सिलेबस अपने पास रखना, बिना सिलेबस के मजा ही नहीं आएगा और मजा आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस में देखो ये जो टॉपिक है वो कहाँ लिखा है? वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण नहीं है सिलेबस। किस किस के पास नहीं? किसी के पास नहीं, एक की बात है। वर्गीकरण सिलेबस में नोट्स है ना, नोट्स में देखो, नोट्स में लिखा है ना वर्गीकरण वाला टॉपिक, लिखा कौन से नंबर पे लिखा है? दूसरे नंबर के में, या नोट्स में दूसरे के बाद तीसरे चौथे पे कहीं लिखा होगा। ये किसकी गलती है? आयोग की गलती है ना। ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले होना चाहिए था। कारण सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? जीवाणु। एक बात और, विषाणु सूक्ष्म जीव नहीं होता। विषाणु जीव ही नहीं होता, होता तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म वो जीव होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो सारे के सारे जीव सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। और वायरस जो है वो जीव नहीं है। वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु ना तो कभी जीव था ना आज जीव है, आगे का भगवान जाने। विषाणु जीव नहीं, लेकिन हाँ सूक्ष्म जीव के अंदर इसको पढ़ना जरूर है। पढ़ना इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना संभावित है, आ सकते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म जीव के अंदर आपका सबसे पहले जीवाणु आया, जीवाणु के बाद आएगा कवक, कवक के बाद आएंगे आपके शैवाल, शैवाल के बाद आएंगे आपके लाइकेन, लाइकेन के बाद आएंगे अमीबा, अमीबा के बाद आएगा पैरामीशियम, और भी बहुत सारे हैं। ये है सूक्ष्म जीव। आयोग के द्वारा बनाए गए सिलेबस में थोड़ा आगे पीछे का अंतर है। सबसे पहले अगर वर्गीकरण होता तो जिस दिन अपना वर्गीकरण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये सूक्ष्म जीव वाला जो टॉपिक है वो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो इसी के अंदर समाहित है। वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है उसी के अंदर आपके सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक इंक्लूड है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ने का कारण यह है कि हम सूक्ष्म जीव ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी टॉपिक को दो अलग अलग जगह लिख दिया है। एक जगह लिखा है जीवों का वर्गीकरण, जंतु और पादप वर्गीकरण, तो उसमें से ये जो कवक है, शैवाल है, ये सब जो है वो कवक, लाइकेन, शैवाल ये पादप का हिस्सा है, ये पादप के अंदर आने वाले सूक्ष्म जीव है। ठीक है, फिर अमीबा, पैरामीशियम ये जंतुओं के अंदर आने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो है तो ये सूक्ष्म जीव, लेकिन किसके अंदर? वर्गीकरण के अंदर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण, जिसके अंदर अपना ये सूक्ष्म जीव वाला जो टॉपिक है वो भी इंक्लूडेड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि नोट्स में तुमको अलग अलग लिखा है। नोट्स में ये अलग अलग क्यों लिखा है उसके पीछे सीधा सीधा कारण है क्योंकि आपके सिलेबस में इस तरह से दिया है। सिलेबस में सबसे पहले सूक्ष्म जीव लिखा है, इसलिए नोट्स में भी सूक्ष्म जीव लिखा है। उसके बाद जैविक कृषि है तो जैविक कृषि लिखा है। जिस तरीके से आयोग ने सिलेबस को डिजाइन करके दिया है एक के बाद एक, उसी क्रम में आपको नोट्स में चीजें हैं। लेकिन पढ़ने के क्रम में चूंकि अपन पढ़ विज्ञान रहे हैं, बायोलॉजी विज्ञान का भाग है ना, तो विज्ञान की एक साधारण सी परिभाषा है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे कुछ प्रश्न हैं अपने दिमाग में आते हैं। सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य। ठीक है, तो पहले अपन उद्देश्य पे बात करेंगे। उद्देश्य यानी कि उसको क्लासिफिकेशन को करने के पीछे क्या कारण है। घर में अलमारी में कपड़े सबके रखे होंगे, ऐसा कोई जिसके घर में कपड़े अलमारी में नहीं रखे, बेड भी पड़े रहते हैं, है कोई ऐसा? अलमारी में रखे ना। अब अलमारी में जो कपड़े रखे हैं उनमें क्या होता है कि जो शर्ट है अपनी अपन एक जगह व्यवस्थित रख देते हैं, पैंट एक जगह रख देते हैं, फिर और भी जो अपने कपड़े हैं वो अपन अलग अलग जगह रख देते हैं। या अपन घर में किताबों को भी व्यवस्थित करते हैं, या किचन में जब अपन मसालों को भी व्यवस्थित करते हैं, किचन में जब अपन बर्तन को भी अलग जगह व्यवस्थित कर लेते हैं, कटोरी एक जगह, गिलास एक जगह, चम्मच एक जगह, चाकू एक जगह। ऐसा तो हो नहीं कि चम्मच में अपन ने चाकू फंसा दिया तो चम्मच निकालते समय हाथ कट गया क्योंकि उसी के अंदर चाकू है ना। तो मुझे ये बताओ कि अपन ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। हम कपड़ों को, पैंट को एक साइड, शर्ट को एक साइड, टॉवल को एक साइड, लोअर को एक साइड, ये सब अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे जो भी कारण तुम ढूंढ पाओगे वही जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। सोचने का प्रयास करो कि हमने किचन के अंदर कटोरियां एक साइड क्यों रख रखी हैं, प्लेट एक साइड क्यों रख रखी है, भगोने जो हैं छोटे छोटे एक साइड, बड़े बड़े एक साइड क्यों रख रखे हैं। जो काम में आते नहीं है वो अलग रख रखे हैं, जो काम में आते हैं उनको सामने रख रखा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो बताओ। काय की सरलता, ढूंढने में आसानी होगी। नाम क्या है तुम्हारा? अजय। बर्तनों को या जो भी हम वस्तु उपयोग में ला रहे हैं उन वस्तुओं को ढूंढना आसान होगा, इस उद्देश्य से हमने उसका क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। यही उद्देश्य है अपना। तुम बताओ, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, है ना। नाम क्या तुम्हारा? कीर्ति। तो कीर्ति, कीर्तिमान स्थापित करो। जिस टाइप की चीज अपने को चाहिए वो सब एक ही जगह पे अपने को। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण का यही उद्देश्य है। उद्देश्य ये कहता है कि जीवों का अध्ययन आसान हो जाएगा। एक कोशिका वाले जीव एक साइड होंगे, बहुकोशिकीय जीव एक साइड होंगे, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर भी जंतु अलग होंगे, पादप अलग होंगे, जीवाणु अलग होंगे, विषाणु अलग होंगे। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में जिनमें रीढ़ की हड्डी है वो अलग होंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है वो अलग होंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें से जल के अंदर होने वाले अलग, थल के अंदर होने वाले अलग, और जो जिनमें रीढ़ की हड्डी है उनमें रेंगने वाले अलग, धरती पर रहने वाले अलग, पानी में अलग। यानी कि जीवों का अध्ययन, यानी कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अध्ययन की क्या हो जाए, सरलता। तुम्हारा शब्द उपयोग कर लेते हैं जिससे तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी। अध्ययन में सरलता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक वो फैक्ट हुआ जो आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा फैक्ट अध्ययन के लिए आपको जो याद रखना है वो है जीवों में विकास क्रम। कोई भी डायनासोर एक बार में सीधा तो नहीं बना होगा। डायनासोर जो बना होगा वो पहले कई सरल सूक्ष्म जीव में ही रहा होगा, धीरे धीरे उनके जीवों के अंदर शरीर में विकास क्रम बनता गया होगा। पहले वो इस रूप में परिवर्तित हुआ होगा, फिर उसमें हम अपनी बात ले लें तो पहले हम बंदर हुआ करते थे, हम उनको इस तरीके से सिखाया गया है, फिर बंदर से हमारे धीरे 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 विकास क्रम बनता गया और आज हम मानव बन गए, होमो सेपियंस बन गए। ठीक है, तो इस विकास क्रम को अध्ययन करने के उद्देश्य से भी वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, यानी कि हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवों के अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए या जीवों के अंदर होने वाले इस विकास क्रम को या इसमें आने वाले परिवर्तन को, है ना। विकास क्रम को अपन म्यूटेशन के अंतर्गत समझेंगे या इसके अंतर्गत हम समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवों का जो विकास क्रम डार्विन बता रहे हैं, लेमार्क बता रहे हैं, म्यूटेशन के अंदर डीब्रीज बता रहे हैं, इन सभी विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण आवश्यक है। 3 मार्कर में अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है या जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य लिखिए, तो 2 उद्देश्य तो कम से कम लिख देने हैं, अध्ययन की सुविधा और विकास क्रम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण आवश्यक है। 2 चीजें याद रह पाएंगी। अब ये वर्गीकरण है क्या, वर्गीकरण जीवों के क्या है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है इसकी परिभाषा क्या है। आखिरकार ये क्या पूछना चाह रहा है कि वर्गीकरण की डेफिनेशन क्या है। अगर 3 नंबर के अंदर 3 मार्कर के अंदर यही पूछ लिया गया वर्गीकरण, केवल एक शब्द लिखा है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा देना पड़ेगी ना। तो जीवों के शरीर में जितने भी जीव हैं उनके शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं हैं, बाहर की अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है, शरीर की आंतरिक और बाह्य संरचना जो है उस आधार पर जीवों को विभिन्न भागों में बांटना ही वर्गीकरण है। एक बार फिर से बताऊं, जैसे रेंगने वाले जीव सांप, हम लोग मानव, तो हम में और सांप में एक समानता है और एक अंतर है। समानता यह है कि वो भी वर्टिब्रेट है, यानी कि उसके शरीर में भी रीढ़ की हड्डी है, हमारे शरीर में भी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी समानता है। इसलिए वर्टिब्रेट एनिमल है, कॉर्डेट एनिमल है, रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि वो रेंग के चलता है, हम नहीं चलते। तो जीवों के शरीर में आने वाले विशिष्ट परिवर्तन, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट संरचना, इनके आधार पर जीवों को विभिन्न भागों में बांटना ही जैविक वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है? जीवों की आंतरिक और बाह्य संरचना और लक्षण कार्य, इन आधार पर जीवों में विभेद उत्पन्न करना, ठीक। उद्देश्य क्या है? इन विभेद के आधार पर ही अध्ययन की सुविधा हो, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण है इसका जनक कौन है, यानी कि फादर कौन है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का जनक कौन है? वर्गीकरण के जनक के पहले आप ये समझो कि बायोलॉजी का जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ रहे हैं उनके पिताजी कौन है? कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं, ठीक है। अरस्तु नाम का जो वैज्ञानिक था, आपने हिस्ट्री में और इथिक्स में इन चीजों को सुना होगा। एक सूत्र याद रखना, स्पास, इसमें एस का मतलब है सुकरात, पी का मतलब है प्लेटो और ए का मतलब है अरस्तु, यानी कि, और एस का मतलब लास्ट में सिकंदर। तो जो अरस्तु जो है वो प्लेटो का शिष्य है और सिकंदर का गुरु है, ठीक है। और सिकंदर भारत कब आया था? 326 बीसी में, तो उसके पहले का रहा होगा अरस्तु। तो अरस्तु कब का है? अरस्तु का जो समय है, अरस्तु का जो समय है वो कब का है? लगभग 350 से 380 बीसी के आसपास का। अभी लग चल रहा है 2000, वर्ष 2024, इसमें 350 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2320, 324 यही हो जाएगा, यानी कि लगभग आज से 2300 2350 साल पहले एक विद्वान होता था जिसका नाम है अरस्तु, जिसने बायोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, बायोलॉजी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उसने बताया था। और उसी अरस्तु ने इन जीवों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले बात कही कि इस दुनिया में जो जीव हैं वो 2 प्रकार के हैं। तो जीवों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक अरस्तु है। कौन है? जीवों के वर्गीकरण को बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक एरिस्टोटल या अरस्तु। हालांकि इनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था वो आज के दृष्टिकोण में फेल हो गया। तो ऐतिहासिक मान्यता है, वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले इस वर्गीकरण का जो नाम है वो देने वाले या जीवों के अंदर वर्गीकरण करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया और कहा कि समस्त जो जीव हैं 2 जगत में वर्गीकरण है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। 2 जगत में वर्गीकरण, एक है आपके जंतु, दूसरे हैं आपके पादप। यानी कि जीवों का 2 जगत वर्गीकरण या जीवों के वर्गीकरण के बारे में वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस था, जिसने अपनी जो किताब थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब के अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार बताते हुए कहा कि समस्त जीव जो हैं वो दो वर्गों में विभाजित हैं, एक होते हैं पादप, दूसरे होते हैं जंतु। और ये वर्गीकरण उनके अंदर पाई जाने वाली कोशिका के आधार पर किया उसने कि ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो पादप होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती वो जंतु होते हैं। सीधा सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नोट्स में आपके पहले पेज पे लिखा होगा वर्गीकरण वाले टॉपिक में, ठीक है। हालांकि नोट्स अभी देखने नहीं है, नोट्स को देखने के पहले यहां देखना है। नोट्स तो घर पे भी देख लिए जाएंगे, मैं नहीं आऊंगा घर पे पढ़ाने तो दिक्कत हो जाएगी, चीजें भूल जाओगे। तो जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण की परिभाषा क्या है। एक बार फिर से दोहराते हैं, वर्गीकरण की परिभाषा क्या है? जीवों के शरीर में बाह्य और आंतरिक संरचना में परिवर्तन को बताने के लिए वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। या परिभाषा को अभी मैं लिखाऊंगा सही तरीके से, जो आपको वहां लिख के आना है। जीवों की आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है, साधारण शब्दों में, ठीक है। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? वही सरलता और क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन करना है ना। फिर वो वर्गीकरण का जनक कौन है? तो जनक है कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस वर्गीकरण के विज्ञान को जन्म दिया और बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो दो भागों में विभाजित है, कुछ जंतु हैं कुछ पादप हैं, ठीक है। और इसी कैरोलस लीनियस ने इस वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों के नामकरण की पद्धति भी विकसित की, जिसको अपन कहते हैं द्विनाम पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि हम होमोसेपियंस हैं तो हमारे जीव के होने के साथ वैज्ञानिक नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। लीनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव के जो वैज्ञानिक नाम है उसमें दो शब्द लिखे जाएंगे, वो भी लास्ट के। एक लिखा जाएगा उसके वंश का नाम, जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो है होमोसेपियंस। इसमें से होमो जो है वो हमारे वंश का नाम है, सेपियंस जो है वो हमारी जाति है, स्पीसीज। अगर कोई पूछा जाए कि तुम्हारी जाति क्या है तो बोलना है सेपियंस। कौन सी जाति है? बायोलॉजिकली हम सब एक ही जाति के हैं जिसका नाम है सेपियंस। और होमो क्या है? वंश है हमारा, ठीक है। और होमो जो वंश है वो किस से जुड़ा हुआ है, वो पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसको अपन आगे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझे, किसी को कोई दिक्कत आई? बेसिक सी चीज है, यहाँ से कंसेप्ट विकसित होना चालू होगा। जैसे जैसे अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे विज्ञान जो है वो जी का जंजाल बनता जाएगा। अगर लिंक भटक गए तो केवल और केवल आपको नाम याद रखने रिदम में स्थापित कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जीवों के वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण की परिभाषा सबसे पहले, फिर परिभाषा के बाद वर्गीकरण का उद्देश्य, फिर वर्गीकरण का जनक, और उसके बाद वर्गीकरण के बाद इनके नामकरण की पद्धति। ये एक बेसिक सी चार टॉपिक हैं जिनको अपने को याद रखने हैं। 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछी जा सकती है नामकरण पद्धति। इसके पहले अभी तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण का जनक कौन है, तो अपने को लिखने हैं कैरोलस लीनियस महोदय ये वर्गीकरण के जनक हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब लिखी जिसमें दो जगत वर्गीकरण की जानकारी दी, और पहला जगत जो है वो पादप है, दूसरा जगत जो है वो जंतु है, यानी इसको कहते हैं प्लांट किंगडम, इसको कहते हैं एनिमल किंगडम, ठीक। फिर इसके बाद आता है एक्चुअल में वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण क्या है। अभी तो कैरोलस लीनियस था, है ना। लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, जीवों के वर्गीकरण को दो आधार पे बताया, दो जगत वर्गीकरण। इसमें से एक था पादप और दूसरा था जंतु, ये इन्होंने दो जगत वर्गीकरण कहा। फिर एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है हेकल। हेकल महोदय ने कहा कि यार जो वर्गीकरण है वो दो जगत वर्गीकरण सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, क्योंकि दो जगत वर्गीकरण के अंदर इन दोनों में सारे के सारे बहुकोश की जीव हैं, एक कोशिका वाले जीव भी तो हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। तो उनको स्थान दिया हेकल ने, और हेकल ने 3 जगत वर्गीकरण की व्याख्या की। कितने जगत बताए उसने? पहले से दो जगत मौजूद थे, एक था जंतु, दूसरा था पादप, तीसरा इन्होंने जोड़ा जिसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा कि एक कोशिका वाले जीव जो हैं वो जंतु और पादप से अलग होते हैं, प्लांट और एनिमल से क्या होते हैं? अलग होते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो इन्होंने दे दिया तीन जगत वर्गीकरण। हेकल के बाद एक वैज्ञानिक और आया, उन्होंने बोला यार तीन में मजा नहीं आ रहा, चार होने चाहिए। तो उन्होंने बोला चार क्यों होने चाहिए? बोले जिस तरीके से आप जंतु और पादप में से प्रोटिस्टा अलग कर रहे हो, क्योंकि वो जंतु और पादप जो हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोटिस्टा के अंदर भी बहुत सारे एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जिनको अलग से एक स्वतंत्र आधार होना चाहिए। जैसे कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। तो एक कोशिकीय जो जीव हैं वो भी दो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इन्होंने दिया चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नीचे वाले दो तो आपको पहले से ही पता है, एक जंतु पादप और उसके बाद प्रोटिस्टा के बारे में ये भाई साहब बोल चुके हैं, तो प्रोटिस्टा भी अपने को पहले से पता है। और इन्होंने जो अगला जोड़ा वो था मोनेरा। ये पूछा जाएगा मोनेरा जगत का जनक कौन है? तो मोनेरा के बारे में बताने वाला कोपलैंड था। अब मोनेरा प्रोटिस्टा में दोनों में एक कोशिकीय जीव है, फिर अंतर क्या है? इन्होंने कहा कि भाई साहब के एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है वो मोनेरा जगत के अंदर आएंगे। जैसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव है ना आपका जीवाणु, अभी अपन ने बताया था, तो जितने भी जीवाणु हैं वो सब यहां आएंगे। और अगर जीवाणु में आपको कुछ भी नहीं मालूम तो इतना तो आप लिख ही देना कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो मोनेरा जगत का सदस्य होता है। इतने में वो खुश होकर 2 नंबर दे देगा। पहली क्लास से ही पहला प्रश्न बनेगा और पहले प्रश्न में 2 नंबर मिलने की संभावना इतनी तो बन जाएगी अगर आप इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा का उदाहरण क्या है? तो प्रोटिस्टा के उदाहरण ये है कि जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जो जीव होंगे, ये दोनों के सिंगल सेल एनिमल हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव जो यूकैरियोटिक कोशिका के बने, जैसे अमीबा, वो सब आ जाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन, ये सब सूक्ष्म जीव जो है वो प्रोटिस्टा जगत के। फिर पादप तो पादप है, जंतु तो जंतु है। फिर उसके बाद बोले यार अभी भी मजा नहीं आ रहा, तो एक आया R H Whittaker। R H Whittaker नाम का एक जो वैज्ञानिक था, इसने बोला कि संपूर्ण जीव को 4 नहीं 5 जगत में बांटा जाना चाहिए। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 Kingdom Classification। ये वर्तमान में देखा जाए तो अंतिम, सर्वमान्य वर्गीकरण है। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे जिन्होंने 6 जगत वर्गीकरण दिया, भगा दिया उसको, भक्त तेरी तो 5 ही बहुत है, 6वें की आवश्यकता नहीं है, फालतू सिलेबस मत बढ़ाओ, भगा दिया उसको। तो जी 5 जगत वर्गीकरण में 5वां कौन सा है? तो पहले से 4 तो मौजूद थे, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप। ये पहले से 4 तो मौजूद थे, 5वां जोड़ा गया बीच में। उन्होंने बोला कि देखो आपने सबसे पहले लीनियस की बात मानी, लीनियस ने संपूर्ण जीवों को 2 जगत में बांटा, जंतु अलग पादप अलग। और उनसे पूछा कि आप जंतु और पादप को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि जंतु चल सकते हैं, पादप नहीं चल सकते। जब नहीं चल सकते और चल सकते हैं तो अंतर अलग अलग है ना, तो दोनों को अलग अलग रखो। फिर बोला कि इनकी कोशिका में भित्ति पाई जाती, इनमें नहीं पाई जाती, यानी कि पादप में, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। बोली ठीक है। फिर उसके बाद हेकल आया, हेकल ने बोला कि जो जीव हैं जंतु और पादप ये दोनों बहुकोशिकीय हैं, इन्हीं के बीच में फंसे हुए एक सिंगल सेल भी है, एक कोशिका का जीव भी है, तो उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको अलग भाग में बांटो। तो बोले ठीक है, प्रोटिस्टा बना दिया। प्रोटिस्टा के बाद फिर कोवलेंट आए, बोले कि प्रोटिस्टा के अंदर सारे एक कोश की जीव, बल्कि इनकी जीवों की कोशिका में भी अंतर है, तो बोले कि सुधार करो, कर दिया सुधार। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिका के जीव रख दिए, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिका के जीव रख दिए, और वर्गीकरण अभी लोगों को लगा कि अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर आया विटेकर, विटेकर ने बोला कि यार पादप जो है उनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन पादप के अंदर एक पाया जाता है कवक, इस कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनती नहीं है, तो इसको भी तो अलग हिस्सा मिलना चाहिए ना। प्लांट जितने हैं सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कवक नहीं बना पाता, तो इसको भी अलग हिस्सा मिलना चाहिए। तो विटेकर ने पांचवा जगत दिया कवक, फंजाई। तो ऐसी स्थिति में पांच जगत वर्गीकरण, और यही अंतिम सर्वमान्य, इसके बाद छठवा जगत नहीं है। तो संपूर्ण जीव जगत इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव हैं उन सभी सूक्ष्म से लेके बृहद तक, मतलब जीवाणु सबसे सूक्ष्म जीव है, वहां से लेके नील व्हेल मछली जो इस धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव, वहां तक के सारे जीव इन पांच जगत में बटे हुए हैं। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आएंगे वो एक कोशिकीय सिंगल सेल, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ठीक है, और ये सब सूक्ष्म जीव का हिस्सा है। पहले पेज पे नोट्स पे देखोगे सूक्ष्म जीव में जीवाणु ही लिखा है, क्यों? क्योंकि जीवाणु मोनेरा जगत का है, सूक्ष्म जीव है, एक ही कोशिका से बना होता है, उसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है जैसे जीवाणु। फिर उसके बाद जो दूसरा आएगा प्रोटिस्टा, वो भी एक ही कोशिका का है, एक ही सेल पाई जाती है, और ये जो सेल है वो यूकैरियोटिक प्रकृति की होती है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है सेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो अल्प विकसित होती है, यूकैरियोटिक जो है वो पूर्ण विकसित होती है, उसमें विकास क्रम पूरा हो चुका होता है। यानी कि घर पे अगर हम खाना बनाते हैं, उदाहरण के लिए अगर अपन रोटी बनाते हैं, सबसे पहले तो रोटी बेल तो देते हैं लेकिन फूल नहीं पाती, पहली वो रोटी नहीं फूलती, ठीक है, या वो जल जाती है, या पहली बार में आटा ही नहीं लगा पाते, लेकिन धीरे 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 अपना विकास होता रहता है। अपन रोज रोटी सब्जी बना रहे हैं तो धीरे धीरे अब अपनी आंख बंद करके भी रोटी फूल जाती है, ऐसा बेलते हैं कि रोटी फूल जाती है, अब विकसित हो गए ना। तो ऐसे ही जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका केंद्रक विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक उसका केंद्रक विकसित नहीं होता। कुछ किताब लिखती है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जो कि गलत है ना। केंद्रक के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो कुछ मात्रा अनुपस्थित होती हैं, कुछ मात्रा में अल्प विकसित होती हैं। तो अपन ये मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित है, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित है, और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हम खुद हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आया कवक, कवक का जो है वो विटेकर ने दिया, और ये क्लासिफिकेशन विटेकर ने जो दिया है वो 1969 में दिया है। ये सन भी याद रखना पड़ेगा, सन 1969 या 69 में आरएच विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने जीवों को पांच भागों में बांटा, जिसे अपन कहते हैं पांच जगत वर्गीकरण। और ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पांच जगत वर्गीकरण को समझाइए, या विटेकर के क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो अपने को यही बताना है। विटेकर महोदय ने 1969 में जीवों के वर्गीकरण का पांच जगत सुझाव दिया, जो इस प्रकार है, पांचों को एक एक करके लिखना है, आगे उनकी एक एक विशेषता, एक एक उदाहरण, काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पांच जगत वर्गीकरण, इनको ही हमको पढ़ना है, ठीक है। इनको पढ़ने के लिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इसको अपन स्टार्ट करते हैं इस साइड में। जितना हो सकेगा मैं बोर्ड को मिटाने का विचार अपने मन में नहीं रखूंगा, तो आप लिखते जाना, जब बोर्ड भर जाएगा तब मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मोनेरा की बात करते हैं। सबसे पहले मोनेरा कैसे जीव है? मोनेरा एक कोशिका के जीव है, जैसे मोनेरा है। मोनेरा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मोनेरा सबसे पहली विशेषता कि एक ही सेल का बना होता है। अगर कभी गलती से मोनेरा 3 मार्कर में आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सबसे पहले कोपलैंड द्वारा चार जगत वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा को परिभाषित किया गया। मोनेरा को देने वाला वैज्ञानिक कोपलैंड है, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक, कौन सी? प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव पाए जाते हैं जिनकी कोशिका कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। कोशिका कैसी है? अल्प विकसित होती है। डैश लगा के लिखेंगे कारण। कारण क्या है? केंद्रक का अल्प विकसित होना। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित होती है, क्यों? क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि इसका केंद्रक अल्प विकसित होता है, न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है, तो केंद्रक की ये झिल्ली का नाम है केंद्रक झिल्ली, तो ये केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। ये मोनेरा की विशेषताएं हैं। मोनेरा के अंदर जितने भी जीव आएंगे, चाहे जीवाणु हो या नील हरित शैवाल हो, नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है पहली बात तो, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया ही है, बस वो शैवाल जैसा दिखाई देता है इसलिए उसका नाम रख दिया नील हरित शैवाल। उसका वास्तविक नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। उसके पीछे कारण है शैवाल जैसा दिखता है ना। जैसे कुछ लोग होते नहीं जो खाते जाते फूलते जाते हैं, खाते जाते फूलते जाते, अपन उसको बोल देते हैं अदरक, तो अदरक थोड़ी ना हो गया है, तो आदमी है ना। तो गोलगप्पा बोल देते तो गोलगप्पा थोड़ी ना हो गया, वो है तो आदमी। तो वैसे ये है कि साइनोबैक्टीरिया शैवाल जैसा दिखता है इसलिए नील हरित शैवाल बोल देते हैं, वो जीवाणु, ठीक है। फिर इसकी और भी कई विशेषताएं एक एक करके समझेंगे, अभी थोड़ी देर से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए इसलिए अपन आते हैं अब प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा क्या है? ये भी एक ही कोशिका का बना है, एक ही सेल का बना हुआ जीव का जगत है, लेकिन इसके अंदर जो एक कोशिका पाई जाती है वो है यूकैरियोटिक। वो कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो मोनेरा जगत के जीवों की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो मोनेरा जगत को छोड़कर अन्य सभी की होती है, चाहे फिर वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो कवक हो, पादप हो, जंतु, इन सब की जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक ही है। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मोनेरा की। अब सबकी कोशिका यूकैरियोटिक है तो फिर इतना अंतर क्यों है? क्योंकि इसकी कोशिका एक कोश की है, इसकी काइटिन की बनी है, इसकी सेल्यूलोज की बनी है, इसमें वो व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इंटरनल क्लासिफिकेशन और सब में अलग अलग अंतर है, ठीक है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर समझिए, पेपर में आ सकता है मोनेरा प्रोटिस्टा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन लिखेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव पाए जाते हैं, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के जीव पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, इनमें पूर्ण विकसित होता है, इनमें श्रम विभाजन नहीं होता, इनमें श्रम विभाजन होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन आगे चल के लिखेंगे भी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नोट्स में नहीं, उनको मैं अलग से लिखा भी दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से अब अगर हमको विशेषताएं याद नहीं होंगी तो हम अंतर नहीं लिख पाएंगे, और हमें विशेषताएं याद होंगी तो दो शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा अलग अलग तो लिख देंगे, है ना, और दोनों में अंतर पूछे जाएंगे तो लिख देंगे। अगर समानता पूछी जाएगी तो भी लिख देंगे। क्या समानता है? कि दोनों में समानता है कि दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, दोनों कैसे हैं? एक ही कोशिका के बने हुए जीव हैं, तो ये उनकी समानता है। अंतर क्या है? कि एक में प्रोकैरियोटिक, एक में यूकैरियोटिक, है ना। तो इस तरीके से चीजें। फिर उसके बाद आएगा आपका कवक। तो कवक जो होते हैं वो पादप से भिन्न होते हैं। पादप से भिन्न क्यों है कवक? क्योंकि पादप जो होती है उसकी कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन कवक की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। वो किसकी बनी है? काइटिन की। काइटिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद नहीं करता, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो कवक हैं वो विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी। हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होगा जो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, अपना भोजन स्वयं बना लेगा, लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये पादप से थोड़े अलग होते हैं। होते पादप का हिस्सा है लेकिन पादप से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं विषमपोषी। अगर इनके प्रकार की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है ऐसे कवक जो किसी मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जब कोई जीव मर जाता है तो मरने के बाद उसमें से जो बदबू आती है, क्यों आ रही है वो स्मेल? क्योंकि वो जो कवक है वो कवक उस सड़े गले पदार्थ मृत जीव से ही अपना भोजन ले रहा है, इसलिए उसको डिकम्पोज कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। जैसे कभी दाल बनाना, घर पे दाल को खाना मत, थोड़ा बहुत खा लेना, थोड़ा बचा लेना, अपने को प्रैक्टिकल करना है ना, तो दाल को छत पे रख देना जब तक वो सड़ नहीं जाए, जब वो सड़ जाए फिर नीचे ले आना, जब तक तुम्हारी नाक नहीं सड़ जाए तब तक सूंघते रहना। क्या होगा उससे? पता चल जाएगा कि उसके अंदर कवक भर चुका है, तो कवक की उपस्थिति से दाल सड़ जाती है, दाल के सड़ने से कवक उसमें से अपना भोजन प्राप्त करने लगता है, तभी वो दाल सड़ती है, ठीक है। या ब्रेड की एक्सपायरी डेट है 4 तारीख, तुम 6 तारीख तक उस ब्रेड को रखे रहना, ब्रेड में फंगस जमने लगता है, हरा हरा सफेद सफेद हरा हरा ऐसा जमने लगता है, वही कवक है जो ब्रेड को सड़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कवक जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए, गंदे पदार्थों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको कहते हैं मृतोपजीवी। और ये 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, सेप्रोफाइट्स कहते हैं इंग्लिश में। मृतोपजीवी आएगा, मृतोपजीवी अगर आएगा तो अपन क्या लिखेंगे? एक कवक का प्रकार है, सीधे सीधे अपन लिखेंगे कवक का एक प्रकार जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। ये जीवों के डिकम्पोज करने के लिए यानी कि अपघटन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी यानी कि पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपन भी है पैरासाइट, अपन पौधों पे आश्रित हैं, है ना, अपन पौधों पे आश्रित। अपन जब तक गोभी नहीं लाएंगे बाहर से तब तक घर पे बनेगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं अपना अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कि मैं तो अपना खाना बना लेता हूं, तो जो तुम अपना खाना बना रहे हो मार्केट से ला रहे ना रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल बना सकते हो क्या? गोभी बना सकते हो तुम, लेकिन गोभी मतलब ऐसा गोभी का निर्माण नहीं कर सकते। गोभी आ जाए तो काट पीट के उसका गोभी का पराठा जरूर बना दोगे और बन जाए तो ले आना, अपन खा लेंगे, लेकिन गोभी नहीं बना पाएंगे ना। गोभी कौन बना रहा है? पौधे। क्यों? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं? स्वपोषी, और जो स्वपोषी नहीं होते वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट, ठीक है। एक होता है सहजीवी, जैसे लाइकेन। अब जैसे कि पति पत्नी दोनों सहजीवी हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, ठीक, तो ऐसा करके ये सहजीवी हो गए। साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लड़ रहे हैं लेकिन साथ में ही रह रहे हैं। जैसे कि लाइकेन। लाइकेन आपके कवक और शैवाल, इन दोनों का मिश्रण है। कवक और शैवाल का जो मिश्रण है वो लाइकेन है। और ये सब जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं वो सब सूक्ष्म जीव हैं। इनको सूक्ष्म जीव के अंतर्गत अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे इनकी विशेषता पढ़ लेंगे, इनके परिचय को पढ़ लेंगे, इनके महत्व को जान लेंगे, तो हमारा सूक्ष्म जीव कंप्लीट यही हो जाएगा। इसलिए अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्गीकरण के अंदर शुरुआत तो सूक्ष्म जीव से ही हो रही है, क्योंकि शुरुआत तो जीवाणु से हुई थी, है ना। अब शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के सहजीवी क्यों होते हैं? क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेती है, अपना भोजन स्वयं बना लेती है, लेकिन बनाएगी कहाँ? इसको रहने के लिए कुछ तो घर चाहिए ना, तो ये इसको रहने के लिए घर चाहिए, इसके पास घर नहीं है, लेकिन खाना बनाना जानती है, और ये खाना बनाना नहीं जानता लेकिन इसके पास घर है। तो शैवाल बोलती है कवक से, तुम्हारे घर अगर रहने की जगह हो तो मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मैं जो खाना बनाऊंगी वही तुम खा लेना, मतलब अलग से रेंट मत मांगना तुम, ठीक है। ये बोलता है कि ठीक है, ऐसा काम कर लेते हैं। तो जो कवक होता है, कवक के ऊपर शैवाल रहती है, ये कवक है, इस कवक के ऊपर शैवाल रह रही है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बना रही है। जो भोजन बना रही है उसको ये कवक को भी दे रही है, तू भी खा ले, अलग से रेंट मत मांगना। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मिले जुले स्वभाव से रहते हैं। और इस प्रकार का कोई कवक और शैवाल दिख जाए तो उसको लाइकिन कहते हैं। इसमें कवक भी है शैवाल भी, दोनों इंडिविजुअल नहीं है। कवक जैसे पेनासिलियम नोटेटम, जिससे पेनासिलिन की खोज हुई, पेनासिलिन के जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक होते हैं, तो पेनासिलियम नोटेटम एक कवक है, वो कवक की कैटेगरी में आएगा, स्पेशल कवक है। और कवक और शैवाल जब मिल जाते हैं तो बनता है लाइकिन, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने के कवक के प्रकार हो गए।